कोरोना पर डराने वाली खबर, कोरोना पर चौकन्ना करने वाली खबर, कोरोना पर सावधान होने वाली खबर। यूं तो कोरोना का खतरा अभी भी जारी है, लेकिन एक बार फिर से ज्यादा सचेत होने का वक्त आ गया है। सर्दी दस्तक दे रही है और सर्दी के मौसम में कोरोना वायरस को लेकर कई स्टडीज की जा चुकी हैं। लेकिन एक नई स्टडी में वैज्ञानिकों ने बताया है कि आखिर सर्दियों में कोरोना क्यों एक बार फिर तेजी से फैल सकता है। वैज्ञानिकों की माने तो गर्मियों में एरोसोल के छोटे कणों की वजह से संक्रमण फैल रहा था, वहीं सर्दियों में रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के सीधे संपर्क में आने से एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। नैनो लेटर्स जनरल में प्रकाशित हुई इस स्टडी में कहा गया है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग के अभी के नियम ही कोरोना को फैलने से रोकने के लिए अब काफी नहीं रहेंगे। दरअसल कई मामलों में पाया गया है कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स CDC के द्वारा बताई गई 6 फीट से भी ज्यादा की दूरी तय कर रहे हैं, और ऐसा ज्यादा ठंडी जगहों पर ही पाया गया है। ठंडे वातावरण के कारण कोरोना के वायरस की लाइफ भी लंबी हो जाती है, इसीलिए सर्दियों में कोरोना का खतरा बढ़ना तय माना जा रहा है। अब आइए इस खबर के दूसरे पहलू पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री शुरुआत से ही खुद कोरोना से जुड़ी परिस्थितियों को मॉनिटर कर रहे हैं। इसीलिए इस खतरे से निपटने के लिए उन्होंने काफी पहले से कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बड़ा व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया था। अब 15 अक्टूबर को एक बार फिर PM मोदी ने तैयारियों के हालात की जानकारी के लिए एक बड़ी बैठक की और स्वास्थ्य अधिकारियों को COVID-19 की जांच और सीरो सर्वेक्षण को बड़े पैमाने पर लागू करने का निर्देश दिया है। PM मोदी ने कम लागत पर नियमित और तेजी से जांच की सुविधा उपलब्ध करवाने पर भी जोर दिया है। भारत में कोरोना के केस भले ही बढ़ रहे हों, लेकिन मृत्यु दर काफी कम हुई है। हालात काफी हद तक काबू में है, मगर सर्दियों का मौसम सारा खेल पलट सकता है। सरकार तो सावधान है, लेकिन असली लड़ाई तो हमें लड़नी है। वायरस से सामना तो हमारा है, तो सावधानियों को भी अपने जीवन में हमें ही उतारना होगा और चौकन्ना रहना होगा, खासकर अब आने वाले सर्दी के मौसम में।